मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? अरे बताओ भाई, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना आवाज? ठीक है, तुम लोग का नेक्स्ट डे एग्जाम है। जहां तक आज पढ़ाएंगे वहां तक सिलेबस है, ठीक है? अब ये लोग नया नया तरह से सिलेबस मत पूछना सबसे, इधर से उधर से, ऐसे परेशान आत्मा की तरह नहीं भटकोगे, ठीक है? हम लास्ट में भी बता देंगे सिलेबस, ठीक है? जहां तक आज पढ़ाएं और जब भी टेस्ट होगा स्पेशली फिजिक्स का, तो तुम लोग ये सोच के रखना जहां तक हम पढ़ाएं वहां तक टेस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत इस बात से तुम लोग को समझने में? हाँ बोलो, बोल काहे नहीं रहे? चैट पैट छोड़ो, बात करो। ठीक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। है ठीक है, चलो। अभी हम लोग आज जो है, पिछले क्लास में हम लोग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ लिए थे, ठीक है? उसपे बहुत सारा सवाल भी कर लिए थे, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, ठीक है? ये दो चीज पढ़ेंगे तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और देखते हैं फिर, कुछ ना कुछ लोग चैट किए हैं। गुड इवनिंग मितुल शर्मा, गुड इवनिंग। चलो अब चैट पैट नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है? क्योंकि हम देखना रहे चैट, तुम लोग बोर्ड को देखो। पिछले क्लास कौन कौन भाग गया था भाई? हाँ क्यों भाग रहे हो भाई? जीवन में पढ़ाई लिखाई से क्यों भाग रहे तुम लोग? ऐसे भाग दौड़ी मत लगाओ, कुछ समझ में आएगा नहीं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता ऐसे। रिकॉर्डिंग के लिए तो पढ़ने के लिए पूरा बुकिंग पड़ा है, पर कोई बुक पढ़ पाया है क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत पढ़ा है, बहुत सारे टीचर ने बहुत सारे तरह से पढ़ाया है, पर कोई पढ़ पाया है क्या यूट्यूब से? तो इस तरह का फालतू काम नहीं करेंगे। जो क्लास में जो भी चीज है, हम लोग रूटिंग वाला चीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और ये रूटिंग है, आप लोग यहाँ आए और जो समय है 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई हो रही है तो उसको पढ़े, ठीक है? और कुछ नहीं, लिखो हेडिंग, लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले लिख लो, हम उसके बाद समझाते हैं इसको क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? ये हम लोग को पढ़ना है आज। देखो सबसे पहले हम लोग तीन चीज सीखे हैं। क्या क्या चीज सीखे हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो एफ नेट बराबर क्या सीखे हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? ये सीखे हैं, ठीक। उसके बाद एफ नेट बराबर हम लोग ये भी सीखे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये हो जाता था एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये भी एफ नेट का वैल्यू होता था, ठीक है? समझ में आए बात? ये दो चीज हम लोग सीखे थे, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना ही सीखे हैं, ठीक है? इसी फॉर्मूला पे सारा सवाल था और कुछ नहीं था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम मतलब जानते हो ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका क्या मतलब है, इसको पहले लिखो, ठीक है? उसके बाद हम तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? इसमें लिखो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, कॉमा लगा के लिखो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम,
द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक बार बोल रहे हैं, मिला लो। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो सर, एक और बार रिपीट कर दो सर प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेट यहाँ स्टेबल नहीं है थोड़ा सा, एक बार वो सर प्रिंसिपल। एक्सटर्नल फोर्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, the linear momentum of the system remain constant. लिख लिए? अरे बोलो भाई, लिखे या नहीं लिखे? लिख लिए ना। अब देखो, अब समझो कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए ये देखो हम बता दे रहे हैं, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए पहला एक चीज समझो। देखो यहाँ पे ये सबसे पहला बोला है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अभी देखो ये नेट फोर्स का मतलब समझाते हैं पहले तुम लोग को। मान लो ये मास है कोई, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये एम मास है, इस पे फोर्स लग रहा है F1 = 10 N इधर, और ये F2 = लग रहा है 20 N इधर से। ठीक है, तो बताओ अगर हम बोलेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 20 - 10 होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 20 - 10, ये कितना होगा? 10 N होगा। कितना होगा नेट फोर्स बताओ? अरे बोलो ना यार, बोल का ही नहीं रहे अब कोई। 10 N। ठीक है, 10 N होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब हम लोग समेशन करते हैं। देखो अब ये प्लस और माइनस कैसे हुआ, हम बताएं प्लस और माइनस का क्या मतलब है। अगर तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो तो दूसरा डायरेक्शन को क्या मानोगे? निगेटिव मानोगे। सिर्फ डायरेक्शन का खेल है पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा लग रहा था इसलिए वाला, इसको हम लोग ये एफ टू को हम लोग क्या मान लिए? प्लस 20 मान लिए। क्या मान लिए? प्लस 20 मान लिए। ठीक है, और एफ वन को क्या मान लिए? -10 N मान लिए। ठीक है, आप किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस मान सकते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एफ नेट बराबर होगा, एफ नेट बराबर होगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, = 0। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एफ एक्स, ठीक है, ये होगा। तो इस तरह का हम तुम लोग को एक दो और एग्जांपल करा रहे हैं, पहले ये वाला कॉपी करो, आराम से कॉपी करो। ठीक है, हम अपने पास पूरा समय है, इत्मीनान से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और सब चीज को सीखते हुए जाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ज्यादा समय देंगे पर हड़बड़ाएंगे नहीं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, जो आपने राइट हैंड कॉर्नर पे सेकंड वाला लिखा सर, वो क्या है सर? वो समेशन का साइन है, नहीं पता है क्या तुम लोग को? सर एक बार सर, ओके ठीक है सर। अरे मतलब ये समेशन का साइन है, पता नहीं है क्या ये वाला साइन? सर राइट हैंड साइड पर सर, ब्लैक पेन से मार्कर से, ब्लैक सेकंड वाला, ये एफ नेट बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिखा। यस सर, सर ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, वो समझ में नहीं आया क्या? रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है ना। हाँ बोलो बालक। सर जो आपने कहा था समीशन का साइन रहता है, सर एक बार एक्सप्लेन कर दोगे ये? क्या क्या? सर जो आपने कहा ना समीशन का साइन होता है, सर इसको एक्सप्लेन कर दोगे एक बार? अरे समीशन का साइन नहीं आता है क्या तुम लोग को? हमको नहीं पता 9th क्लास में है या नहीं है यार। नहीं सर, समीशन मतलब होता है जैसे मान लो सारा फोर्स, जैसे मान लो यहाँ पे बालक लग रहा है ना, ये एफ वन फोर्स लग रहा है, इधर ये एफ टू फोर्स लग रहा है, इधर एफ थ्री फोर्स लग रहा है, तो इसको लिखोगे ना F1 + F2 + F3,
तो इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्स। मतलब अगर तुम इतना लिखना चाहते हो, इसके बदले क्या लिख सकते हो तुम, ये वाला साइन ऐसे लगा दोगे और ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सब का समेशन, ठीक है। ये मतलब होता है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, इतना ही सब मतलब है और कुछ नहीं। एक्चुअल में हमको पता नहीं है नाइन्थ क्लास में क्या है, नहीं इलेवन ट्वेल्थ पढ़ाते हैं, हमको लगा कि तुम लोगों को पता होगा। खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो कॉपी कर ली होगी उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। कर लिया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ सुनो, अब देखो यहाँ पे एक बात और समझो, यहाँ पे दो तीन बात समझोगे तब कंजर्वेशन और मोमेंटम समझ में आएगा तुम लोगों को। अब देखो यहाँ दूसरा बात क्या है कि एफ बराबर जब तुम मास इंटू एक्सलेशन लिखते हो, एफ बराबर क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सलेशन, तो यहाँ पे ये जो एफ फोर्स होता है वो नेट फोर्स होता है। क्या होता है ये, नेट फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है ये, नेट फोर्स होता है, ठीक है। पता चल, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा बोलो। सर रहेगा सर, सर नीचे का ना राइट साइड पर लिखा हुआ है। क्या बोले, क्या बोले सर, आपने राइट साइड पर भी लिखा हुआ है, राइट साइड में, हाँ ये राइट साइड में लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, तुम हम तुमको एग्जांपल करवा रहे हैं। जैसे मान लो ये मास जो है ये है 2 kg और इस पे इधर से फोर्स लग रहा है F1 बराबर लग रहा है 10 N, इस पे इधर से लग रहा है F2 बराबर 14 N। ब्लर हो गया, ब्लर हो गया है, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया सर, दोबारा सर आगे पीछे हो रहा है। ठीक है ठीक है, सही कर देते, सर अब ठीक है, सही हो गया ना, अब ठीक है सर, अब ठीक है, ठीक है। देखो ठीक, देखो ये नेट फोर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F1 बराबर ये 10 N है और इधर से कितना लग रहा है 14 N, ठीक है। तो अगर तुमको बोलेगा फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड ए, ठीक है, ए का वैल्यू तुमसे पूछेगा, तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे सर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 14 से भी 2 सर, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों। अरे नहीं यार, फिर यही बोल रहे हैं कि जब भी तुम एक्सेलरेशन निकालोगे तो एफ नेट बराबर क्या लिखते हो तुम, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो सबसे पहला गोल क्या होगा तुम्हारा, नेट फोर्स निकालना। तो नेट फोर्स निकालो, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटा फोर्स को माइनस कर दो सर, ठीक है। तुम जाकर हाँ, तो ये 14 माइनस क्या करोगे 10 कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 N, ठीक है। तो एफ नेट कितना आ गया, सॉरी 4 N हो जाएगा ना, 4 N, ठीक है। तो एफ नेट कितना आ गया 4, ये 4 इज इक्वल टू क्या करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 2 kg, यानी कि 2 m/s² हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ये एफ नेट है, ये क्या है, एफ नेट है, ठीक है, ये एफ नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, जब एक से ज्यादा फोर्स लगेगा तो तुम क्या करोगे, नेट फोर्स निकालोगे, कौन सा फोर्स निकालोगे मेरे भाई लोग, नेट फोर्स निकालोगे, ठीक है, क्लियर है। और नेट फोर्स निकालने के लिए अभी तुम्हारे लेवल में तुम हमेशा क्या करना कि जो भी बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटा फोर्स को माइनस कर देना, ठीक है। अभी हम दूसरा सवाल में आ रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर 3 फोर्स हो जाएगा तो क्या, यही पूछने वाले, ठीक है, तो उस बात पे हम आ रहे हैं, तुम लोग लिखो इसको जल्दी। पूरा मिटा दो, अगर मान लो ऐसा हो जाएगा, ये मास है 2 kg और इस पे इधर से लग रहा था 10 N, इधर से मान लो ये एक फोर्स लग रहा है 5 N और एक फोर्स लग रहा है 15 N, ठीक है। अब पूछेगा फाइंड आउट एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू पूछेगा क्या होगा, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स। देखो अभी देखो ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 15 + 5,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 20 इससे 10 से ज्यादा होगा ना, तो ये वाला साइड वाला फोर्स ज्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, ठीक, ये बात तो सबको समझ में आ रहा होगा, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ये 15 + 5 इक्वल टू क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, 2 है और एक्सेलरेशन और ये 20, तो ए बराबर कितना हो गया, 10 m/s². समझ में आया या नहीं आया, बोलो सर, इजी हो गया, माइनस नहीं किया, रुको एक मिनट, रुको, गलत हो गया, एफ नेट तो ये 20 हो गया इधर, और माइनस इधर करना है ना 10, इधर लग रहा है 10, तो माइनस करेंगे, बड़ा में से हमेशा छोटा को माइनस करेंगे, और 2 इंटू ए, तो ये हो गया 10, 10 इक्वल टू 2 इंटू ए, मतलब सर एक साइड के फोर्स को ऐड करना और उसको मतलब दूसरी साइड के माइनस करना, हां तुमको ये देखना है कि किस साइड का फोर्स ज्यादा है, ठीक है, इस साइड का टोटल फोर्स देखो कितना लग रहा है और इस साइड में कितना टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बाद जिस साइड का फोर्स ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे ऐड किए तो ये पता चला 20 न्यूटन है और ये कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, तो बड़ा में से हमेशा क्या करेंगे, छोटा फोर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही चार्ज होंगे तो उसमें भी हमें यही करना है ना, दोनों साइड मतलब ऐड कर देना एक साइड वालों को और बड़े में ऐड करके तुमको देखना होगा कि किस साइड का फोर्स ज्यादा है, ठीक है, ऐड करके देखना होगा, राइट साइड का फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट साइड का फोर्स ज्यादा है, क्या है नहीं है, ठीक है, चलो और हम कराते हैं सवाल, तुम लोग टेंशन मत लो, अगर मान लो ऐसा हो जाए, इधर ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये लग रहा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, और ये मास है मान लो 1 kg और पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो कर पाओगे तुम लोग, 20 आएगी सर, 20 आएगी सर, 20 20 आएगी सर, 20 एक्सेलरेशन आएगी, सही है, तुम लोग का सही है, देखो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी देखो ये दोनों फोर्स को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन, तो तुम्हारे लिए सिचुएशन कैसा हो गया कि ये मास है इसमें 30 न्यूटन इधर लग रहा है और 50 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है, तो बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये वाला ज्यादा और ये कम है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 50 - 30 इजिकल टू मास है 1 और ये a हो गया, ये हो गया 20 m/s², a, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, सर सर बहुत इजी, क्या सर आ रहा है समझ, आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है, अब नेट फोर्स का अगर तुम लोग को फंडा क्लियर हो गया है तो आगे जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप समझो, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहला बात यही है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अच्छा अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझो क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसका क्या मायने है, क्या मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है, ये ए बॉल है और ये है बी बॉल, ठीक है, ये है बी बॉल, ठीक, और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, इससे टकरा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक पार्टिकल से ज्यादा है ना, कितना पार्टिकल है, एक पार्टिकल और दो पार्टिकल है, ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है,
समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो ये बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये तीसरा बॉल है, ठीक है। अभी ये जाएगा इससे टकराएगा, फिर ये जाके इससे टकराएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल से ज्यादा था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कुछ नहीं है, बस वो पार्टिकल अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना? यस सर, आ रहा है। ये वाला नहीं पता चला, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो सर एक बार। मैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे मान लो दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये जाके इससे टकराएगा, ठीक है। और हम लोग ये दोनों मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तुमको ये देखना है कि हम लोग स्टडी कितना पार्टिकल को कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्या यूज करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा यहाँ पे भी पार्टिकल है तो हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर तीन पार्टिकल का तुम मोशन का स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। दो पार्टिकल का कर रहे हो तो क्या बोलोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर सिस्टम, अगर एक का कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है वैसा टर्म को यूज करने का, ठीक है। तो ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, मतलब तुम लोग अभी नया चीज है, नाइन्थ क्लास में पहली बार देख रहे हो तो ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे तुम लोग ये वेल मतलब कि बचपन से जानते होगे तुम लोग, सिस्टम मतलब कि एक से ज्यादा है और पार्टिकल का थोड़ा सा गुच्छा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये कुछ खास बात नहीं है, इसमें कुछ भी बात नहीं है ऐसा, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझ में आया होगा तुम लोग को थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पे, अब नेट फोर्स बता दिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बता दिए, ठीक है। अब देखो वो स्टेटमेंट क्या बोला है, वो बोला है कि इफ, देखो हम लिख रहे हैं, इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो, किस पे, किस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जीरो है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, वहां पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, देन मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि जो शुरू में है, जो स्टार्टिंग में है, वही क्या है, बाद में भी है। इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब फाइनल हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्व्ड है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा, मान लो तुम्हारा मास, जब तुम स्कूल गए थे अभी, ठीक है, स्कूल गए तो तुम्हारा मास था 60 kg, ठीक है, और जब तुम स्कूल से आए वापस तो भी तुम्हारा मास कितना है, 60 kg। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मास क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है, तुम्हारा मास क्या है, कंजर्व्ड है। मतलब कंजर्व मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ठीक है, मतलब जो भी चीज इनिशियली होगा वही चीज फाइनल रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पैकेट में 100 रुपया है, ठीक है, जब तुम स्कूल गए, ठीक, और फिर मान लो तुमने 10 रुपया खर्चा किया और फिर 10 रुपया उधार भी ले लिया, ठीक है, तो 10 रुपया खर्चा करके फिर तुमने 10 रुपया उधार ले, मतलब उधार ले लिया ना किसी से, ठीक है, फिर स्कूल से जब वापस आए तो तुम्हारे पैकेट में फिर से 100 रुपया मिला, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ भाई जो इनिशियल था वही फाइनल, इसका मतलब कंजर्व, ठीक है। अब तुम लोग यही समझो कंजर्व का मतलब, बोलो क्या बात है, बोलो, ठीक है, ठीक है, तो ये बात इतना ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो बोला है मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। ये किसका मोमेंटम का बात कर रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम का बात कर रहा है, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल लेंगे तभी तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स में ये बोला है नेट एक्सटर्नल फोर्स, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू जीरो देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दैट सिचुएशन। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ठीक।
अब देखो यहाँ पे सुनो और एक बात सुनो, जब भी हम लोग कोई चीज को फेंकते हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड है ठीक है, और यहाँ से तुमने एक बॉल को पकड़ के फेंक दिया वी वेलोसिटी से, ठीक है, वी वेलोसिटी से फेंक दिया ऊपर, ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो जब तुम फेंकते हो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर होता है, वेलोसिटी, ठीक है, मतलब जो तुमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, जैसे मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, यही ट्रांसफर होगा, कभी भी फोर्स ट्रांसफर नहीं होता है, कभी भी क्या ट्रांसफर नहीं होता है, फोर्स ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ये सब बात तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, ठीक है, पर समझना होगा, मतलब कि ये हम तुम लोग को अभी सोच के नहीं बता रहे हैं, अभी तो बताने के लिए हम किसी भी तरह बता देंगे कंजर्वेशन और मोमेंटम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हम तुम लोग को ये सोच के बता रहे हैं कि तुम लोग 11 12 में कम से कम दिक्कत होगा 11th क्लास, ठीक है, अभी थोड़ा सा भी सुना हुआ रहेगा तो वहां पे तुम लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलो हम तुम लोग से क्या सर रिपीट करना एक बार, हम बोल रहे हैं हम लोग कोई भी चीज फेंकते हैं ठीक है, जैसे मान लो तुम कोई बॉल फेंकते हो तो उस समय जो है तुम सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम फोर्स ट्रांसफर करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने कोई पार्टिकल को कहीं भी फेंका है, जैसे यहाँ भी फेंका है ठीक है, ऐसे फेंका है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, इसका सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा यहाँ पे वी मैक्स होगा, जैसे ही तुम्हारे हाथ से वो छूटेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है, धीरे 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 क्या होगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे वो पार्टिकल आगे जाएगा, क्योंकि अगर फोर्स ट्रांसफर होता तो वो एक्सेलरेट करने लगता आगे जाके, धीरे धीरे ज्यादा स्पीड होता, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कब होगा, जब तुम इंजन लगा दोगे, मतलब जैसे रॉकेट वगैरह में, ठीक है, या इंजन लगा हुआ रहता है वो धीरे धीरे स्पीड गेन करेगा, पर अगर वो मतलब कि ऐसे बॉल फेंक देगा या कुछ भी कर देगा तो वो सिर्फ वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा ही घटेगा, ठीक है, कभी वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ओके सर, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो ये चीज समझाते समझाते अब कुछ लोग देखो मन में डाउट बहुत सब आता है, हम डाउट भी देख एक दो डाउट तुम लोग को बताते हैं, सर ऐसा नहीं है सर, ये बेवकूफ मत बना, यहाँ पे हम सर ऊपर में खड़ा होके मारेंगे बॉल ना, आपका सर फट जाएगा बड़ा हम देखा, ठीक है, और देखिए आप अगर थोड़ा समझदार होंगे, हम यहाँ से बस इसको ड्रॉप करेंगे, अब बहुत तेज रफ्तार से आपके सर पे गिरेगा सर, ठीक है, देखो ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है सर, यू आर म्यूटेड, हाँ सर म्यूट हो गए हैं, आवाज आ रहा है क्या अभी मेरा सर, बोला सर आपको सर हमने दो बारी सर आपके आप म्यूट हो गए हुए हो, अभी अभी तो नहीं हो रहा है ना, अरे कॉल आ गया तो रुको एक मिनट सेटिंग, ये हम सर आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है अब,
आवाज आ रही है अब सर? कम आ रही है बड़ी सर, आवाज आपकी कम आ रही है। कम आ रहा है? अरे यार ये कॉल आ जाता है ना तो दिक्कत होता है। अब आ रही है? कैसी आ रही है अब सर? अभी भी इतनी है सर। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही। हाँ रुको रुको देखते हैं। आवाज आ रही है मेरी अभी? सर अब आवाज आ रही है सर। यस सर आ रही है। आ रही है आवाज, पर स्क्रीन तो नहीं आ रही होगी अभी। नहीं आ रही है सर। आप सर रिजाइन कर लो। हाँ वही हम कर रहे हैं, हम एंड कर रहे हैं। ठीक है तुम लोग से रिजाइन कर लेना।